हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये ब्रशलेस मोटर की किट। दोस्तों ये किट जो है मैंने अमेजोन से परचेज की है तकरीबन 800 की प्राइस रेंज के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले जो है इस किट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है ये ब्रशलेस मोटर जो कि 1000 KVA के हैं, आप देख सकते हैं। बाकी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके ऊपर ही आपको देखने को मिलता है ब्लड कनेक्टर, ये है उसका पूरा सेट। बाकी दोस्तों सेकेंडली हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। दोस्तों बिना इसके ये ब्रशलेस मोटर को आप ऑपरेट नहीं कर सकते, चला नहीं सकते हैं। तो इसको मैं पहले यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस पॉलीथीन के अंदर से यहाँ पे ये ESC निकल जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो तीन वायर हैं इसके अंदर, तो ये सीधा मोटर के अंदर यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं, ये इस मोटर के अंदर यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी दोस्तों ये इसके अंदर ये जो वायर है ये जाते हैं आपकी बैटरी को, और भाई ये जो वायर हैं जाते हैं आपके रिसीवर बोर्ड के अंदर। बाकी दोस्तों आप इसे बिना रिसीवर बोर्ड के भी चला सकते हैं सर्वो टेस्टर की हेल्प से, वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊँगा। तो दोस्तों जो थर्ड वन है जो हमें इसके अंदर बॉक्स के अंदर मिलता है वो है इसकी प्रोपेलर। आप देख सकते हैं प्रोपेलर का यहाँ पे डायमेंशंस वगैरह जो भी है इसका मेजरमेंट लिखा गया है 10x4x5। और देख सकते हैं दोस्तों ये प्रोपेलर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और भाई काफ़ी अच्छे मटेरियल की ये बनी हुई है। तो दोस्तों जो लोग ड्रोन वगैरह इनको फ्लाई करते रहते हैं, ड्रोन वगैरह डिजाइन करते हैं, उनके लिए ये प्रोपेलर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बाकी दो प्रोपेलर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, एक है काउंटर क्लॉकवाइज, एक है क्लॉकवाइज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको ये कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। माना कि ये किस लिए हैं, जैसे कि मान लीजिए आप छोटे मोटर से इन प्रॉब्लम को चलाना चाहते हैं तो आप इनका यूज़ करके इनको यहाँ पे लगा देंगे, और इसको लगाने के बाद ये छोटे मोटर में भी सेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। बाकी इसमें नोटिस वगैरह दिया गया है प्रोपेलर के पॉलीथीन के अंदर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों पॉलीथीन जो है, सॉरी प्रोपेलर जो है आपकी दो हैं, क्लॉकवाइज और एक काउंटर क्लॉकवाइज। बाकी दोस्तों प्रोपेलर को साइड में रखता हूँ और ESC के बारे में बात कर चुका हूँ, अब बात करता हूँ सीधा इस ब्रशलेस मोटर के बारे में। तो दोस्तों ये ब्रशलेस मोटर जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड के मोटर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ब्रशलेस क्यों होते हैं? ब्रशलेस इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर ब्रशेज नहीं होते। जैसे कि आपने और मोटर्स के अंदर देखा हुआ है कि यहाँ पे पीछे की तरफ उनमें ब्रशेज होते हैं जो कि हमारी RC कार वगैरह में निकलते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल उनसे अलग होते हैं। उनका जो पूरा मैग्नेटिक वाला पार्ट है वो रोटेट करता है, और जो कोइल वाला पार्ट है वो एक जगह स्थिर रहता है। आप देख सकते हैं ये कोइल वाला पार्ट स्थिर रहेगा और ये मैग्नेटिक वाला पार्ट रोटेट करता है। बाकी RC कार के अंदर जो मोटर वगैरह हमारी निकलती है उनके अंदर अलग होता है फंडा। उनके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक वाला जो पार्ट होता है वो तो रहता है एकदम स्थिर, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही रहता है, और जो कोइल वाला पार्ट है वो अंदर से मूव करता है। तो दोस्तों ये जो मोटर हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड के होते हैं, और इनके अंदर से तीन वायर निकलते हैं, आप देख पा रहे हैं तीन वायर इनके अंदर से निकलते हैं। बात करता हूँ ये ब्लड कनेक्टर क्यों होते हैं। देखिए ये ब्लड कनेक्टर कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग के इसको जो है थोड़ा टाइट कर देते हैं, और इसके अंदर प्रोपेलर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो प्रोपेलर जो है ये यहाँ से सीधा है यहाँ पर, लेकिन मैं इसको थोड़ा उल्टा लगाने वाला हूँ। इससे क्या है, ये हवा जो है आगे की तरफ और अच्छे से देगा। तो दोस्तों देख सकते हैं प्रोपेलर भी मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ, और भाई आपको इसको टाइट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपकी प्रोपेलर यहाँ से निकल सकती है, और भाई हाई स्पीड में घूमता है तो डैमेज भी कुछ कर सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब जो है ये मोटर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और आपको लग रहा होगा कि ये ड्रोन में लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये ड्रोन मोटर ही है। मैं आपको बता दूं ये ड्रोन्स के अंदर ही यूज़ होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड का ये मोटर होता है। बाकी मैं आपको इसको अभी नहीं चला कर दिखा सकता, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको चला कर दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस ESC के वायर लग जाते हैं, और यहाँ पर ये एक छोटा सर्वो टेस्टर लग जाता है जिसकी हेल्प से आप इसको आसानी से चला पाते हैं। तो दोस्तों ये किट जो है, यदि आप इस किट को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिस लिंक के थ्रू आप इस ब्रशलेस मोटर की किट को परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप विश्वास रखते हैं डाई वीडियोज़ में, और डाई वीडियोज़ बनाना आपको अच्छा लगता है, तो आप इस मोटर को परचेज़ कर सकते हैं। ये मोटर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड का है, और आप इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बाकी आगे इस वीडियो में
सॉरी आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट, वो भी बिल्कुल इस ब्रशलेस मोटर से रिलेटेड। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।